हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको आलू की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। तो हाजिर हूँ मैं न्यू रेसिपी के साथ। तो चैनल पर न्यू है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो डालिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको आलू की सब्जी का मसाला तैयार करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ 3 टमाटर डाले हैं। तो जितनी आपकी क्वांटिटी हो, आधा किलो आलू हो तो आप कम से कम 8 या 6 टमाटर डालिएगा, तो क्योंकि उसी से ही आपका मसाला अच्छा बनेगा। फिर मैंने ये लिया है गाइस, ये हरा धनिया इसमें डालने के लिए, और फिर ये है लाल कुटी हुई मिर्चें, ये गाइस हल्दी है, और ये नमक तो जाएगा ही, ये जीरा जाएगा। तो मैं आपको आप फुल रेसिपी बताती हूँ गाइस। तो गाइस हमने सबसे पहले ये घी ले लिया है। आप ऑयल या घी में पकाते हैं तो सबसे पहले घी गाइस डालें, घी आपको ज़्यादा ही लेना है। तो गाइस घी डालने के बाद मैंने ये मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्चें भी 3 से 4 काट के डाल सकते हैं, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खास खाना चाहते हैं तो। गाइस इसमें मसाला डालने के बाद आपको टी कप में पानी डालते रहना है थोड़ा थोड़ा, और 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम तक पकाना है। तो गाइस ताकि जो है मसाला अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो गाइस इतना हमारा ये मसाला तैयार होता है। इतने हम जो है आलू बनाकर गाइस तैयार कर लेते हैं छोटे छोटे पीस में। तो गाइस ये हमने आलूओं को कट कर लिया छोटे छोटे पीस में। आलूओं को अच्छी तरह धोकर आपको ऐसे आलू सब्जी बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे पीसीज में कट कर देना है। अब हम इसको मसाले में गाइस डाल देंगे। तो गाइस हमने जो है मसाले में आलू डाल दिया है, एंड हमने इसमें पानी भी डाल दिया है, 3 टी कप डाल दिए हैं गाइस सीटी लगाने के लिए। तो आपके आलू जितनी भी सीटियों में आए तो आपको उसके अकॉर्डिंग पानी लेकर डालना है। तो मैं चलिए मैं आपको पूरा बताती हूँ डिश कैसे तैयार होगी। अभी हम इसमें फिलहाल सीटियाँ लगाएंगे, जितनी सीटियों में हमारे आलू आ जाएंगे गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सीटियाँ लगने के बाद ये आलू की सब्ज़ी इस तरह तैयार हो गई है। अगर इसमें बाद में थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट तक पकाएं, ताकि गाइस लो फ्लेम पर पकाने से आपकी ये जलेगी भी नहीं। तो गाइस देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि न्यू रेसिपी की वीडियो मैं आपको दे सकूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।